नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन क्लासेस में, जहां आप सीखते हैं एडवांस एक्सेल एंड बीबीए माइक्रो। दोस्तों, ये जो रिकॉर्डिंग आप देख रहे हैं हमारी लाइव क्लासेस, ऑनलाइन लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग है, जो कि आप अभी मेरे साथ देख रहे हैं। मेरे साथ संडे सुबह 9 बजे का टाइम है और मेरे साथ तकरीबन 3 स्टूडेंट हैं, अली कुमार, मंजीत एंड सुदेश, अलग अलग लोकेशन से सारे हैं और मेरे साथ अपने घर पे बैठ के अपने सिस्टम से, मोबाइल से मेरे साथ क्लासेस ले रहे हैं। तो आप भी मेरी तरह इस तरह से क्लासेस ले सकते हो। क्लासेस लेने के लिए मेरी वेबसाइट www.iptindia.com पे जाओ, वहाँ पे डेमो क्लासेस का फॉर्म बुक कर दो, या फिर हमारे डीवीडी चाहो तो डीवीडी परचेज कर सकते हो। अगर आप यूट्यूब पे कंटिन्यू हमारी वीडियो देखते हो तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोग नए व्यूअर हैं, फर्स्ट टाइम में वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि इन फ्यूचर में कोई भी रिकॉर्डिंग्स होगा आपको उसके अपडेट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और अली जी, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपके साथ डेटा रिकॉन्सिलेशन के बारे में, सॉरी डेटा कंपाइलेशन के बारे में बात करेंगे कि मेरे पास तकरीबन 5 सीट है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। मैं छठे शीट, यहाँ मैं डेटा है, इस डेटा के ऊपर मैं चाहता हूँ सारे डेटा को कॉपी पेस्ट करना, राइट। तो अभी चलो ये 5 है, तो चलो आपको 2-4-5 मिनट लगेगा, आप कर लोगे। लेकिन अगर यही आपको 500 और 1000 हुए तो कॉपी पेस्ट करना आपके लिए सिरदर्द हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि अगर हम एक इसके सोल्यूशन, अच्छा सोल्यूशन तो वीवीए में है, राइट। लेकिन अगर हम अगर डिस्कस करते हैं कि हमारा एक्सेल के अंदर क्या सोल्यूशंस है, एक्सेल के अंदर इसका क्या सोल्यूशंस है, तो एक्सेल के अंदर सोल्यूशंस में हम बात करें तो बेसिकली तो सोल्यूशन तो है नहीं, लेकिन हम लोग एक छोटा सा यूज करते थे। यहां आपको होम मेनू बार में क्लिपबोर्ड दिखेगा, ठीक है जी। क्लिपबोर्ड पे क्लिक कीजिए तो ये क्या करेगा कि आप कोई भी डेटा अगर आप कॉपी करते हैं तो उसका स्टोरेज यहां रख लेता है। तो आपको यहां पे कॉपी करके पेस्ट करना, फिर कॉपी करके पेस्ट करना, जो आपका डबल काम है कि कॉपी किया, यहां पे गए, पेस्ट किया, फिर दूसरा कॉपी किए, फिर सबसे नीचे आए, फिर पेस्ट किया, तो इसमें आपकी आधी टाइमिंग बच जाती है कि जस्ट आपको क्या करना है, जाना है डेटा को सिलेक्ट करना है एंड कॉपी करना है, जाना है डेटा को सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है, जाना है डेटा को सिलेक्ट करना है एंड कॉपी करना है। तो पांचों सीट पे जस्ट आपको कॉपी करना है, इससे आपका आधा टाइम बच जाता है। मैनुअल अगर आपको करना पड़ा तो आपका आधा टाइम बच जाता है। अब जरूरी नहीं है कि एक्सेल सीट पे ही हो, आप इसको वर्कबुक पे, पीडीएफ पे, कहीं भी इस क्लिपबोर्ड का फिक्स मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और फिर जहां पेस्ट करना है वहां पे जाइए और कर्सर रखिए, जस्ट पेस्ट ऑल, क्या करना है, पेस्ट ऑल, आपका सारा का सारा पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। सुदेश जी और मंजीत जी, आपने अपने आप को म्यूट कर रखा है, आपको कुछ पूछना हो तो हमसे पूछ सकते हैं, फोन कर ये अनम्यूट करके, समझ गए सर। अली जी, ये तो मैनुअल मेथड हुआ, लेकिन अगर मैं बात करूं कि भाई वीवीए प्रोग्रामिंग के जरिए कैसे हो, क्योंकि हमें नहीं पता कितने फाइल घटते बढ़ते रहते हैं, काफी ज्यादा सीट्स हैं, तो उसमें दिक्कत होने के चांसेस हैं, तो एक छोटा सा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा आपको, एक छोटा सा प्रोग्राम। कहाँ पे, आप डेवलपर टैब में जाइए और यहाँ विजुअल बेसिक पे क्लिक करके वीवी एडिटर पे आ जाइए और यहाँ इंसर्ट में जाइए और अपना मॉड्यूल्स, हम प्रोग्रामिंग जब भी कोई कोड करते हैं तो मॉड्यूल्स में करते हैं, चालीस मैंने बता चुका हूँ आपको। अब यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट माइक्रो का नाम दे देते हैं, जैसे कि कॉपी सी एस के नाम से, कॉपी सी कॉपी एस। अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि अब डेटा कॉपी करना है, यहाँ सीट वन से उठा के कॉपी करना है डेटा के अंदर। तो जनरली क्या है कि शीट
अब मुझे सीट वन सीट टू कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं, तो इसके सीक्वेंस नंबर से चलते हैं कि सीट वन डॉट सेलेक्ट रेंज ए वन डॉट करेंट रीजन डॉट कॉपी। अब करेंट ये करेंट रीजन कैसे लिख के डायरेक्ट कॉपी कर लेते हैं, जैसे हम लोग कहीं सीट वन पे गए तो सीट वन पे जाने का कोड ये हुआ, सीट वन थी पहली पोजीशन की सीट, उसके बाद हम यहाँ पे कर्सर रखें और हम इसको कंट्रोल ए करते हैं, तो हमने ये लिख दिया कि ए वन पे जाके कंट्रोल ए, तो कंट्रोल ए हम यहाँ पे पेस्ट तो करते हैं लेकिन एक्चुअल में करेंट क्या बोलते हैं कंट्रोल ए का फंक्शन जो होता है वो आपका यहाँ फाइंड एंड सिलेक्ट में गो टू ए स्पेशल के अंदर एक करेंट रीजन होता है, तो मैनुअली हम करेंट रीजन करते हैं, इसका शॉर्टकट कंट्रोल ए होता है, तो ये कंट्रोल रीजन का हमने कॉपी कर लिया। उसके बाद हम डेटा शीट पे आते हैं, डेटा शीट पे आएंगे तो यहाँ पे शीट्स हम यहाँ पे डेटा डॉट सेलेक्ट, अब मुझे जो है जान अब मुझे एक के नीचे कॉपी करना, तो हो सकता है कि पहले से कोई डेटा इस पे रखा हो सकता है कि पहले से इसमें कोई डेटा हो, क्योंकि हम डेटा कंपाइल मैंने हम लोग बनाते हैं जब डेटा क्या बोलते हैं मास्टर डेटा, तो उसमें पहले से कुछ डेटा होता है, तो मुझे सबसे लास्ट में यहाँ आना है, तो सबसे लास्ट में अगर आपको कर्सर ले जाना है तो मैनुअली एक्सेल में आप क्या करते हैं कि आप कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करते हो, फिर एक कर्सर नीचे प्रेस कर देते हो, ये करते हो ना कंट्रोल के साथ डाउन एरो। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर बीच में ब्लैंक हुआ तो कंट्रोल के साथ अगर हम डाउन एरो प्रेस करेंगे तो ऊपर ही रह जाएगा, जैसा कि मैंने सिलेक्शन में थर्ड में एलईजी आपके साथ डिस्कस किया था। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, फिर हम क्या करते हैं कि सबसे नीचे चले जाएंगे और फिर नीचे से अप कंट्रोल के साथ अप एरो, जो ऊपर वाली एरो होती है अप एरो, उस अप एरो को प्रेस करेंगे। तो व्हेन यू प्रेस द योर अप एरो गेट आप डायरेक्ट चले जाएंगे द लास्ट फिल रो, गो टू द लास्ट फिल रो, राइट लास्ट फिल रो, एंड इससे कोई मैटर नो मैटर अगर आपके ऊपर कोई ब्लैंक सेल्स है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपका डेटा कॉपी एंड पेस्ट होगा, राइट। तो इसको तो व्हाट इज द कोड फॉर दिस, तो इसलिए कोड यहां लिखेंगे कि रेंज रेंज ए 65000 डॉट एन, कंट्रोल पेस्ट करने का कोड होता है एन, एन इज एन फॉर प्रेस द कंट्रोल, एन एरो की फॉर सेलेक्ट द एरो की अप एरो डाउन एरो व्हेन यू वांट, तो अप एरो की हमने यहां पे सेलेक्ट किया, देन अब मुझे अब यहां तक कि ये जो क्लाइन है क्लाइन ऑफ कोड है कर्सर को यहां लास्ट रो पे डाल देगा, सिलेक्ट द लास्ट रो, लेकिन मुझे नेक्स्ट ऑफ द लास्ट रो की नेक्स्ट सेल चाहिए, लास्ट रो की नेक्स्ट सेल, तो नेक्स्ट रो से लास्ट रो की नेक्स्ट सेल पे जाना है और हमारा एक कोड जो है नेक्स्ट लास्ट रो तक आ जाता है लास्ट फिलिंग रो। तो यहाँ पे हम ऑफसेट इस्तेमाल करेंगे एंड ऑफसेट के अंदर में डालेंगे वन, वन रो नीचे जाए और यही पे कर देते हैं पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल हम देते हैं पेस्ट ऑन। अब ये कोड क्या करेगा, ये कोड सीट वन को सिलेक्ट करेगा, उसके बाद ए वन पे जाके पूरा कंट्रोल ए करके कॉपी कर लेगा, देन डेटा शीट को सिलेक्ट करेगा एंड देन डेटा शीट के सबसे लास्ट रोज के बाद अगली सेल्स को सेलेक्ट करके उस पे पेस्ट कर देगा, राइट। बट प्रॉब्लम है कि अभी ये सिर्फ वन शीट को करना है, सिर्फ वन शीट को करना है और मुझे करवाना है 1 to 5, हो सकता है कि मे बी इन फ्यूचर 5 से इंक्रीज होकर 10 हो जाए और मे बी 5 से डिक्रीज होकर 3-4 हो जाए, तो उसकी लास्ट पोजीशन I don't know,
तो यहां पे हम लोग फोर लूप लगाएंगे कि फोर आई इक्वल टू वन टू सिक्स डॉट काउंट माइनस वन और देन नेक्स्ट आई एंड यहां पे आई। अब बात आती है कि हमने यहां पे व्हाई द पुट द माइनस वन, बिकॉज कि आवर डेटा शीट जहां पे डेटा कंपाइल हो रही है वो डेटा शीट इन द लास्ट पोजीशन और मुझे इसमें से डेटा का कॉपी पेस्ट नहीं करवाना है। सो हमने बोला कि वन टू टोटल नंबर ऑफ शीट्स माइनस वन, तो ये वन टू फाइव जाएगा। अब इस कंडीशंस में आपको ध्यान रखना होगा कि आपका डेटा शीट सबसे लास्ट में हो, ठीक है लीजिए। अब मैं जस्ट इसको रन करता हूं, तो अब मैंने मैक्रो प्रिपेयर कर लिया, मैं डेवलपर में जाते हैं माइक्रोज पे और जस्ट रन पे क्लिक करेंगे या फिर ऑप्शन पे जाके हम कोई शॉर्टकट या बटन पे साइन कर देंगे एंड हम ट्रिगर करेंगे मैक्रो को, तो विद इन सेकेंड में देखिए हमारा पांचों शीट का डेटा कॉपी पेस्ट हो गया। बट इन प्रॉब्लम इन दिस मैक्रो कि हेडिंग जो है एवरी शील का हेडिंग, एवरी शीट का हेडिंग यहां पे कॉपी पेस्ट कर रहा है, ठीक है लीजिए। अब उसे क्या बचे, तो उसके लिए दो प्रश्न है कि एक तो हम डायनेमिक रेंज सिलेक्शन ले लें जो कि सीट के बाद से सिलेक्शन करेगा, लेकिन इसमें फिर थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा और थोड़ा सा इसमें माइक्रो सिक्योर नहीं रहेगा, फिर डेटा को हम सिक्योर नहीं हो सकते, डेटा कॉपी पेस्ट कर सकता है, हो सकता है कुछ छोड़ दे। दूसरा हम देखते हैं कि जब भी हम डेटा को कॉपी करते हैं, मान लीजिए कि हमने इसको सिलेक्ट किया और मैंने किसी पोजिशन पे कॉपी किया, तो जो हमारी पहली सेल्स पहली रो होती है वही सिलेक्ट होती है, तो मैं यहाँ पे एक्टिव सी एक्टिव सेल डॉट रो इंटायर रो डॉट डिलीट कर सकता हूँ। मतलब मैं कॉपी करवाऊंगा और जो एक्टिव सेल, देखिए क्या होता है कि जब भी हम कोई डेटा सिलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने डेटा सिलेक्ट कर रखा है, मान लीजिए एरिया सिलेक्ट कर रखा है, तो इन द सिलेक्शन एल थ्री टू एल सिक्स बट एल थ्री इज नाउ एक्टिवेट, ठीक है। तो हम जब एक्टिव सेल डॉट एंटायर रो डॉट डिलीट का कोड अप्लाई करेंगे तो पूरा सिलेक्टेड डिलीट नहीं होगा, ओनली फॉर एल थ्री डिलीट होगा। लेकिन इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक हेडिंग को यहां पे रखना पड़ेगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, डालेंगे एक्टिव सेल डॉट entire row dot delete। अब चलिए अब इस फीचर्स को अप्लाई करके मैं अपनी अपनी प्रॉब्लम को देखता हूं, राइट, परफेक्टली वर्क। अब इसमें एक और प्रॉब्लम हो रही है, मैं चाहता हूं यहां पे क्योंकि तो यहां मान लीजिए कि अभी तो चलो ठीक है दैट इज अ फाइनल कॉपी पेस्ट, लेकिन इन फ्यूचर आई वांट टू सेपरेट जिस सीट का डेटा था उस सीट में उसको सेपरेट करना, तो फिर यहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी कि हम सेपरेट कैसे करेंगे, राइट। तो मैं यहां पे चाहता हूं कि यहां पे इन द लास्ट सेल जी कॉलन जी कॉलन यहां पे हमें शीट्स का नेम भी आ जाए, शीट्स का नेम भी आ जाए। तो दैट टाइम आई फर्स्ट फर्स्ट इज आई एम डिक्लेयर द वेरिएबल्स कि डिम R as a string and then put here R equal to active sheet dot name, तो sheet के name यहाँ पे declare हो गया। उसके बाद मुझे अब यहां पे दो चीजें हैं कि मैं यहां क्या कर रहा हूं कि सबसे लास्ट में आऊंगा, मैं पूछे पता है कि मेरा एफ तक का डेटा है, अगर ना पता हो तो फिर हम डायनेमिक नेम मेथड वाला एप्लीकेबल अप्लाई करेंगे यहां पे, जो कि मैंने लीजिए आपको लास्ट क्लासेस में बताया था। देखिए मुझे यहां फिलहाल पता है, तो मैं लिखूंगा रेंज
65,000.andxlsup। तो ये क्या करेगा, ये नीचे से जो लास्ट से 65,000 से ऊपर आएगा और मुझे f की लास्ट रो पे ले जाएगा, लास्ट फिलिंग रो जहां पे डेटा है। और उसके बाद मैं करता हूं ऑफसेट, और ऑफसेट में मैं बोलता हूं कि इसकी अगली सेल पे आ जाए, यहां जो कर्सर है यहां आ जाए। तो यहां पे मैं जीरो रो पुट द जीरो जीरो रो एंड वन कॉलन डॉट सेलेक्ट, कर्सर यहां आ जाए। उसके बाद मैं चाहता हूं कि कंट्रोल एंड शिफ्ट के साथ अप एरो प्रेस करके इसके जितने ब्लैंक एरिया है उसको सिलेक्ट कर ले जहां पे वो नाम को डालेगा। तो उसके लिए यहां पे लिखेंगे रेंज एंड एंटर द एक्टिव सेल कॉमा एक्टिव सेल डॉट एंड एक्सलेस अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू हमने दी r। अब यहां पे देखिए दो कोड को मैच किया, एक इसमें क्या होता है जब एरिया सेलेक्ट करते हैं किसी भी एरिया को सेलेक्ट करते हैं तो एक्सेल कहता है कि सेलेक्ट द फर्स्ट लोकेशन एंड प्रेस द शिफ्ट एंड प्रेस द लास्ट लोकेशन। तो हमने एक्सेल में क्या बोला, हमने 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 बताया कि A1 is the first locations and F9 the last locations। तो यहां भी हमने बताया कि active shell is the first locations and active shell dot and dot offset is the last locations। तो last location मतलब क्या हुआ कि यहां से control and shift press कर अब एरो के साथ गया और ऑफसेट यूज इसलिए किए ताकि अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हेडिंग को सिलेक्ट कर रखा है तो यहाँ पे हम इसको ऑफसेट की मदद से एक कर्सर को हमने यहाँ पे डाउन कर दिया और फिर यहाँ पे इसकी जो नाम सीट के नेम जो हमने आर पे स्टोर कर रखा है इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग आर डाल। अब इससे क्या होगा कि हर सीट का नेम यहां पे आएगा, मैक्रोज एंड रन। हमने कुछ गलती किया है, ओके सॉरी, दिस इज द एफ नॉट ए, दिस इज हियर इज द मिस्टेक। सो यहां बी कॉलम में डाल दिया, काम तो परफेक्टली किया है बट बी कॉलम में डाल दिया। परफेक्ट अली जी, मंजीत जी एंड सुदीप जी, समझ में आया क्या सर? ओके, अब नाउ सेकेंड प्रॉब्लम ये जिसकी मैंने बताया कि इसकी बाउंडेशंस है कि A1 से A5 तक की हमें जो डेटा शीट है वी वांट टू कॉपी द डेटा, वो शीट सबसे लास्ट पोजीशन में होनी चाहिए, अदरवाइज उसकी भी डेटा कॉपी करके लास्ट वाली शीट पे पेस्ट कर देगा। तो यही प्रॉब्लम है, तो मैं इस प्रॉब्लम की दूर सोल्यूशन चाहता हूँ, मैं फुल्ली डायनेमिक बनाना चाहता हूँ, कोई बाउंडेशन नहीं रखना चाहता। तो मैं बोलता हूँ कि मेरी हो सकता है कि शीट जो है वो कहीं भी हो सकती है, राइट? तो उस पोजीशन में क्या करेंगे, उस पोजीशन सबसे पहले तो -1 को हटा देंगे, उसके बाद हम यहां पे कंडीशंस देंगे कि इफ एक्टिव इफ एक्टिव एक्टिव शीट डॉट नेम इक्वल टू, एक्टिव शीट नेम की जगह पे हम आर भी कर सकते हैं क्योंकि आर एक्टिव शीट नेम आल्सो डेटा स्टोर आल्सो इन द आर, सो आर इक्वल टू डेटा नहीं, यदि इज नेगेटिव आर इक्वल टू नॉट इक्वल टू डेटा, नॉट इक्वल टू डेटा देन ए चले और उसके बाद इसको हम यहां पे एंड करते हैं। हमने कंडीशन डाल दिया कि ये जो प्रोसीजर है डेटा को कॉपी एंड पेस्ट करने की, ये प्रोसीजर तभी चले जब
आर की वैल्यू इट मींस एक्टिव शीट का नेम नॉट इक्वल टू डेटा होगा। अब इससे क्या हुआ कि मेरी डेटा शीट किसी भी पोजीशन में काहे न रहे, क्यों नहीं रहे, डेटा को कॉपी जरूर करेगा, राइट। अली जी आपके बैकग्राउंड से काफी शोर आ रहा है, सर आपकी इंटरनेट स्पीड काफी स्लो हो गई है, इस कारण से दिक्कत हो रही है सर। और सुदीप जी, अमनदीप जी, समझ में आ रहा है आपको सर? सुदीप जी, ओके। So this macro is the data compilations. When you get the data 1 to 30 sheet, 40 sheet, you can compile your data in the click in the one button. So, लेकिन ये जो है within sheet के लिए है कि आप एक फाइल के अंदर में number of sheets की data किसी particular sheet में copy paste कर सकते हो, this code for you, ठीक है। लेकिन ऐसी problem हो सकती है कि हमारे पास एक फाइल में एक फोल्डर के अंदर में 20 फाइल्स हैं, क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है जब डेटा को एक शीट के अंदर आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। हो सकती है कि आपके पास बहुत सारे फाइल्स हो, उन फाइल्स की एक पर्टिकुलर शीट के डेटा को आपको किसी एक फाइल के शीट के डेटा में कॉपी पेस्ट करना है, राइट। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में सबसे पहली प्रॉब्लम होती है कि हाउ कैन डेट गेट द नंबर ऑफ फाइल्स लिस्ट इन द फोल्डर, कि पर्टिकुलर फोल्डर में कितने फाइल और उनके नाम क्या है, इस चीज को जानना सबसे बड़ी चुनौती होती है। हालांकि मेरे पास फाइल्स का डेटा फिलहाल नहीं है क्योंकि मैंने सिस्टम रिस्टोर किया है, लेकिन फिर भी मैं उसकी कोड आपको बता देता हूं, आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले हमें पता करना है कि मैं सीट वन पे सीट सेवन भी करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं फाइल लिस्ट का एक बनाता हूँ और मेरे पास एक फोल्डर है, आई कैन ओपन द फोल्डर। अली जी हेलो, अली जी मेरी आवाज आ रही है आपको? अब अली जी का जो है नेटवर्क जो है थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इस कारण से वो अप डाउन हो रहा है, मतलब कि ऑफलाइन ऑनलाइन हो रहा है। तो मेरे पास एक फोल्डर है, मैं चाहता हूँ इस फोल्डर के जितने भी फोल्डर हैं, इन फोल्डर में जो फाइल्स हैं इनका लिस्ट पहले मैं जानना चाहता हूँ कि कितने फाइल हैं। मान लो एक्सेल शीट पे लाना चाहता हूँ तो लिस्ट जानना चाहता हूँ, तो उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में हम यहाँ कोड जनरेट करते हैं, माइक्रो नेम हम कुछ भी दे सकते हैं। अब यहां पे हम देते हैं dim fn as a string। अब ये fn वगैरह इसे क्या मतलब कि हमने भी यहां पे r डिक्लेयर कर रखा है, ये होता क्या है? बेसिकली टेम्पररी सेविंग लोकेशंस होती है, जैसे आप लोग मैथमेटिक्स इस्तेमाल करते थे तो उसमें आप कॉन्स्टेंट लेते थे ABCD XYZ, that is the same constant in the VBA micro programming, कि मुझे माइक्रो की रनिंग टाइम में कुछ वैल्यू को कहीं पे स्टोर या कैलकुलेट करवाना है, उसके लिए हम यहाँ पे वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहाँ पे बोला fn equal to dir, मेरे पास एक डायरेक्टिव फंक्शन इन द VBA में होता है जिसकी मदद से हम फाइल का लिस्ट लेते हैं star.xl नॉर्मल फाइल विद नॉर्मल। तो ये क्या करेगा dir फंक्शन कि एक जो फोल्डर है उस पर्टिकुलर फोल्डर ये जो फोल्डर है इस फोल्डर में जितने भी डॉट एक्सएल मतलब कि एक्सेल की फाइल है एक्सटेंशन ऑफ द एक्सेल एक्सेल की फाइल है उसका लिस्ट अपने पास स्टोर रखेगा। पर प्रॉब्लम क्या है कि जो fn पे जो देगा वो सिर्फ देगा एक नाम,
क्योंकि एफ एन इज द कॉन्स्टेंट, मतलब कि एक स्ट्रिंग वेरिएबल है जो कि टेक्स्ट को स्टोर करता है, लेकिन वन टाइम में किसी एक ही डेटा को स्टोर करेगा, एक से ज्यादा डेटा को स्टोर नहीं करेगा। और डी आई एन के पास तो बहुत सारे नाम, तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट नाम के लिए मुझे करना पड़ेगा, मान लीजिए कि एक नाम है, इस नाम को मैंने यहाँ ए वन पे मैंने बोला कि रेंज ए 65,000 65,000 and then select the xls up and dot offset 1 comma 0 dot value which equal to fn। तो फर्स्ट नाम को, एक नाम को यहाँ पे डाल देगा। अब सेकेंड नाम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, fn equal to dir functions को दोबारा से डालना पड़ेगा विदाउट एनी पाथ, तो इस सेकेंड नाम को इस fn पे लोड कर देगा और इसी प्रोसीजर को मुझे बार बार दोहराना पड़ेगा इस तरह से। अब प्रॉब्लम इज दैट कि हमें नहीं पता कि एक एक्सेल फाइल में, आई डोंट नो कि हाउ मेनी फाइल्स इन द फोल्डर, सैंपल फोल्डर हो सकती है मे बी 25 हो सकती है, 50 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, हमें नहीं पता। तो हाउ मेनी टाइम्स रिपीटेड दिस कोड, इसमें प्रॉब्लम आती है। अब इसी कंडीशन में हम लूप इस्तेमाल करते हैं, बट यहाँ पे हम फोर लूप, जैसे कि यहाँ पे इस्तेमाल किया फोर लूप, एक फोर लूप इस्तेमाल नहीं कर सकते बिकॉज कि फोर लूप बोलता है कि उसको चाहिए स्टार्टिंग टू एंडिंग पोजिशन, कि वेयर द स्टार्ट एंड वेयर द एंड, स्टार्टिंग टू एंडिंग पोजिशन, बट आई हैव नो आइडिया कि स्टार्टिंग टू एंडिंग पोजिशन क्या है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ फाइल्स है। देयर इज द पुट द डू लूप, डू लूप में कंडीशन देना होता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि 5 फाइल्स है और 5 टाइम चल गया, तो अगले 6 टाइम, छठे टाइम जो होगा एफ एन पे एक ब्लैंक वैल्यू को स्टोर करेगा। तो डू वाइल लूप में हमने बोला डू वाइल एफ एन नॉट इक्वल टू ब्लैंक, और फिर यहां पे हमने बोल दिया। तो अगर मान लीजिए 25 फाइल्स है, तो 1 by 1 25 फाइल का लिस्ट यहाँ सीट इस फाइल लिस्ट पे डाल देगा, लेकिन उस 26 टाइम जब चलेगा तो एफ एन पे ब्लैंक वैल्यू स्टोर होगी, और यहाँ फिर चेक करेगा कि ब्लैंक वैल्यू जो है कंडीशंस को फॉल्स करेगा और डू जो है लूप को यहीं पे फिनिश कर देगा। तो मैं एक बार इसको रन करके बताता हूँ। Develop, go to developer time, click on the macros, select the macros and click on the run. So there is the file list. But हमारा problem solve नहीं हुआ, ये file list लाने से हम ये हमारी problem solve नहीं हुआ। हमें तो जितनी file list है, इस हर एक फाइल के seat number 1 की data को इस data के नीचे, एक के नीचे एक के नीचे copy paste करना। तो चलिए अब इसके लिए हम प्रोग्राम करते हैं, इसी प्रोग्राम को मैं एडिट करता हूँ फॉर दिस के लिए। तो यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल यहाँ लिखेंगे वर्कबुक्स डॉट ओपन, बिकॉज बिना फाइल को ओपन कराए हम उसकी किसी भी तरह के डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते, और फाइल को ओपन करने के लिए हमें चाहिए फाइल का पाथ, जो कि पाथ हमें यहां मिला है, और फाइल नेम, जो फाइल नेम है वो फाइल नेम हम यहां पे कंपाइल कर देते हैं, कॉनकेटेनेट ज्वाइन कर देते हैं fn से। ये एंड ऑपरेशन क्या करता है कि इफ इसको हम एक्सेल इस्तेमाल भी कर सकते हैं कि इफ सुजीत एंड कुमार, आई वांट टू ज्वाइन सुजीत कुमार इन द वन सेल, यू कैन पुट हियर कि ए सुजीत एंड प्रशीन एंड कुमार, सुजीत कुमार। तो जो काम ये एक्सेल में करता है सेम वर्क विद वीवी, तो यहाँ भी इसने इसकी पूरे पाथ को और फाइल लेंथ को आपस में ज्वाइन कर दिया, तो फाइल हमारी ओपन हो गई। अब मुझे उसकी सीट वन पे जाना है, तो सीट वन पहली सीट पे, चाहे नाम कुछ भी हो सकता है लेकिन उसकी इंडेक्स पोजिशन पहली वन है, तो वन सीट सिलेक्ट
और फिर मुझे उसकी पूरी डेटा को कॉपी करना, तो अब जो प्रोसीजर चल रहा है सेम प्रोसीजर चलेगा। a1 dot entire colon entire, नहीं माफ कीजिएगा, करेंट रीजन डॉट कॉपी, एंड देन हम क्या करेंगे नेक्स्ट? नेक्स्ट होगा हमारा कि हम अपने वर्कबुक वन पे आए, वर्कबुक यहाँ पे बुक वन डॉट xlsm डॉट एक्टिवेट एंड शीट्स डेटा एक्टिवेट select both you enter select and then same procedure apply होगा। देखिए ये जो देखें सेम प्रोसीजर अप्लाई होगा। अब मुझे इसकी फाइल नेम नहीं पता है, तो यहां पे ये हो जाएगा आपका fn कर दीजिए फाइल नेम के लिए एंड एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव एंड एंड द लास्ट वर्क बुक्स fn डॉट क्लोज एंड यहां पर देते हैं फॉल्स। अंडरस्टैंड दिस कोड, फर्स्ट आई कैन डिफाइन द स्टोरेज पोजीशंस एंड अप्लाई द डीआईएल फंक्शंस फॉर द एक्सेसिंग द योर फाइल लिस्ट। इस डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल का लिस्ट है वो fn पे आ जाएगा। मैंने डूवाइल लूप लगाया क्योंकि डायरेक्टरी फंक्शन वन बाय वन एफ एन को देगा, एक साथ सारा फाइल नेम नहीं देगा, वन बाय वन देगा। तो यहाँ पे एफ एन पे हमने इसलिए डाला, लूप लगाया कि एफ एन जब तक ब्लैंक ना हो तब तक चलता रहे। उसके बाद मैंने एफ एन की फाइल को ओपन कराया, हमने डायरेक्टरी फंक्शन हमें उसकी डायरेक्टरी पता थी और फाइल नेम हमें एफ एन ने दे दिया। फिर उसकी पहली सीट को जाए उसके डेटा को कॉपी कराया। अब प्रॉब्लम यह है कि हम डेटा कॉपी होने के बाद में अल टाइप करेंगे, तो दो फाइल खुली है तो दूसरी फाइल पे जाने के लिए हम अल टाइप करते हैं ना, कि अल टाइप करके हम इस फाइल का जाए। तो हमने अल टाइप करके मतलब कि उसको एक्टिवेट किया, उसकी डेटा शीट पे गए और उसकी डेटा शीट के नीचे से ऊपर जाके हमने कॉपी किया। हमने उसकी जो हेडिंग वाले क्योंकि हमने यहाँ पे करेंट रीजन सेलेक्ट कर रखा है तो उसकी हेडिंग भी कॉपी हुई। हम उसकी हेडिंग की जो कॉपी थी उसको हमने डिलीट किया और फिर हमें उसकी फाइल नेम को डालना है। अब यहाँ पे F65 जो देख रहे हो मे भी हो सकता है कि HGHIJK जेके हो सकता है एज पर योर लास्ट डेटा रो, तो आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा कि आपके डेटा का लास्ट रो क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो एंड में गया और जाके फिर उसकी फाइल के नेम डाल दी जैसे कि इसने यहाँ पे डाला था। और फिर फाइल को हमने सेव किया और फिर उस फाइल को क्लोज किया, क्योंकि क्लोज कराना जरूरी था तभी तो नेक्स्ट फाइल ओपन करेगा। क्योंकि अगर हम क्लोज फाइल ना करें तो 50 फाइल है तो 50 फाइल खुल जाएगी और फिर आपका एक्सेल हैंग होगा एंड आपके डेटा लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए जब काम हो चुका है, हम डेटा कॉपी कर चुके हैं, तो आफ्टर देन वी कैन क्लोज दिस फाइल एंड देन अप्लाई द नेक्स्ट डीआईएल फंक्शंस फॉर लोड द अनदर फाइल। तो ये सेम स्टेप चलता रहेगा वन बाय वन, कब तक? जितने भी नंबर ऑफ फाइल इस डायरेक्टरी। अब इस कोड को मैं अप्लाई करके नहीं दिखा सकता क्योंकि इस फोल्डर में डेटा उसके अकॉर्डिंग नहीं है। आप लोग एक सैंपल डेटा बना के फोल्डर में डाल के इस मेथड को अप्लाई कीजिएगा। अगर इफ यू आर गेटिंग द इनिट एरर, अगर एरर आपके पास आ रही है तो मुझे मेल कर दीजिएगा, मैं उसको करेक्ट करके आपको रिप्लाई करूंगा। अली जी, एनी डाउट? तो आपने डेटा कंपाइल करना सीखा विद इन वन शीट टू अनदर शीट एंड विद इन फाइल टू अनदर फाइल, ठीक है सर? ठीक
क्या रैंक की तरफ एक्सटेंशन नहीं 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 आप नहीं समझे आप नहीं समझे ये डायरेक्टिव फंक्शन क्या करता है डायरेक्टिव फंक्शन करता है इस पर्टिकुलर फोल्डर में देख रहे आप पर्टिकुलर फोल्डर जो पाथ है सैंपल फोल्डर इसके अंदर में जितने भी इस एक्सटेंशन की फाइल है डॉट एक्सएलएस की फाइल है उस एक्सएलएस फाइल की लिस्ट निकाल के अपने पास स्टोर रखता है और वन बाय वन किसी वेरिएबल्स को या किसी सेल्स को देता है जहां पर रखना चाहो और सेकेंड फाइल के लिए आपको यहां पे फिर वापस डी आई फंक्शन विदाउट एनी पाथ अप्लाई करना पड़ेगा समझ गए हाँ वो एक एक करके आप वन बाय वन करके ले सकते हो तो आपको पता नहीं कितना बार ले तो आप इसके लिए लूप लगा दीजिए वाइल लूप लगा दीजिए ठीक है और कोई डाउट हेलो सुदेश जी आपको डाउट है आपको आपको मैंने बताया कि हम आउटपुट यहां नहीं दे सकते बिकॉज मेरे पास इस डायरेक्टरी फंक्शंस के अंदर में डेटा अवेलेबल नहीं है मैंने आपको पहले बताया था दिस इज नॉट द वैलिड फाइल लिस्ट तो ये तो डैशबोर्ड्स की फाइल है सारी ठीक है लेकिन ये कोड 100% परफेक्ट है और काम करेगा क्योंकि तो मैं इसको एक बार नहीं मैं इसको सैकड़ों बार अप्लाई कर चुका हूँ You can write the same positions, but आपके जो files हैं, वो files data है, वो data को इसके according रखिएगा, and you can apply this. एक code का काम क्या है? जैसे जैसे इस ऊपर वाले code ने क्या किया था? इस code ने कि जितने भी sheets की data था, उस data को one के नीचे one by one एक के नीचे एक copy paste करके इसको collate कर दिया था. Same work ये करेगा, जितने भी file की data है, one by one copy करके एक के नीचे इसको collate कर देगा. समझ गए सेम प्रोसीजर को फॉलो करेगा जो रिपोर्ट जो आउटपुट आपने यहां देखा था सेम आउटपुट ये होगा बस डिफरेंस ये है कि एक एक था कि एक फाइल के अंदर जितने भी नंबर ऑफ शीट्स हैं वो सारे शीट्स की को डेटा कॉपी पेस्ट करता है और ये क्या करता है एक पर्टिकुलर फोल्डर में जितने भी नंबर ऑफ फाइल्स है उस फाइल्स की पहली शीट की डेटा को कॉपी पेस्ट करेगा बस डिफरेंस दोनों में यही है तो एक्सेल की सारी फाइल ले जाओ आपने शायद देखा नहीं है फाइल लिस्ट देखिए ना इसी में फाइल लिस्ट लगी है एक्सेल लिस्ट एक्स भी आ रहा है एक्सेल लिस्ट एम भी आ रहा है एक्सेल लिस्ट बी भी आ रहा है एक्सेल की सारी फाइल ठीक है अब कोई डाउट आपको मैं बोलता हूँ आप अप्लाई करके देखिए अगर आपको कोई एरर रिसीव होता है तो डिस्कस विद मी ऑन फोन एंड आल्सो मेल मी और जो भी प्रॉब्लम जो भी एरर होंगे मैं उसको रिजॉल्व करके आपको भेज दूंगा जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे तो ऐसे हवा में चीज छोड़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ ऐसे बता देता है आप इस चीज को अप्लाई करेंगे देन यू कैन गेट द एग्जैक्ट रिजल्ट ठीक है तो दोस्तों देखा किस तरीके से मैंने अभी करीब तीन बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे थे उनको मैंने क्लासेस दी वी बे मैक्रो की प्रॉब्लम प्रोजेक्ट्स के हमने सॉल्यूशन दिए और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए और हमारे ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो डेमो क्लासेस का फॉर्म भरिए मुझे कॉल कीजिए डीवीडी परचेज करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट पे इसकी डीवीडी भी अवेलेबल है तो आप डीवीडी भी परचेज कर सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैव अ नाइस डे